वेलकम गाइस, मैं हूँ राज। आपका SSC IQ यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम SSC करंट अफेयर टेस्ट के साथ उपस्थित हैं। आज की डेट है 12 सितंबर। तो आज की डेट में जो भी करंट अफेयर्स अपडेट है उसका टेस्ट क्वेश्चन दिया गया है। ये जो टेस्ट है करंट अफेयर्स का, ये डेली आपको दिया जाएगा अटेंड करने के लिए। आप लोग डेली अटेंड करने हैं, इसे ज़रूर अटेंड करें। ये आपका डेली अपडेशन होता रहेगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन हैं, 24 आवर्स का टाइम है। आइए देखते हैं क्वेश्चन किस तरह के हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 है, हु हैज लॉन्च्ड आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम AEPS सर्विस रिसेंटली। किसने आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है, किस बैंक ने लॉन्च किया है, ठीक है। उसने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, सी है नाबार्ड, डी है पंजाब नेशनल बैंक। इन चारों में से एक ऑप्शन करेक्ट है, उसे चूज कीजिए। आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द किसान मानधन योजना एट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान मानधन योजना मानधन योजना लॉन्च किया है। वो किस प्लेस पे किया है, कहां पर किया है, किस सिटी में किया है, उसके लिए 4 ऑप्शन हैं, लखनऊ है, रांची है, देहरादून है, सूरत है। चारों में से एक ऑप्शन करेक्ट है, उसे चूज कीजिए। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, विद टीम कोड ज़रूर लिखिए। उससे आपके मार्क्स का यूटिलाइजेशन हो जाएगा, किसी टीम को वो मार्क्स चले जाएंगे, इसलिए टीम कोड जरूर यूज करें। क्वेश्चन नंबर 3, हु विल चेयर द टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाई निर्मला सीतारमण फॉर ड्राइंग अप नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑफ 100 लाख करोड़ 1.4 ट्रिलियन 100 लाख करोड़ रुपीज़ 1.4 ट्रिलियन फ्रॉम द फिस्कल ईयर 2019 to 2022 2045। कौन चेयरपर्सन होगा टास्क फोर्स जो निर्मला सीतारमण के द्वारा बनाया गया है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है 1.4 ट्रिलियन का, जो फिस्कल ईयर 2019-2020 से 2024-25 तक पूरा किया जाएगा, उसके लिए जो टास्क फोर्स बनाई गई है उसका चेयरमैन कौन होगा। ए ऑप्शन है अशोक कुमार रावत, बी ऑप्शन है अनिल यादव, सी ऑप्शन है विवेक सिंह, डी ऑप्शन है अतानु चक्रवर्ती। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है, चूज कीजिए। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच कमिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाई यूनियन गवर्नमेंट टू ओवरसी द बिफिकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू यूनियन टेरिटरीज। किस कमेटी के थ्रू जो यूनियन गवर्नमेंट थी टू ओवरसी द बाइफर्केशन ऑफ जम्मू कश्मीर इनटू यूनियन टेरिटरी, जो जम्मू कश्मीर जो स्टेट है उसकी यूनियन टेरिटरी किस कमेटी के द्वारा कंस्टिट्यूट की गई है। उसके 4 ऑप्शन हैं, ए संजय मित्रा कमेटी, बी ऑप्शन है राजनाथ सिंह कमेटी, सी ऑप्शन है अमित शाह कमेटी, डी ऑप्शन है अजय कुमार कमेटी। चारों में से एक ऑप्शन करेक्ट है, उसे चूज कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में विद टीम कोड जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड द नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम इन व्हिच स्टेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम किस स्टेट में लॉन्च किया है। 4 ऑप्शन है, ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है केरला। चारों में से एक ऑप्शन करेक्ट है, चूज कीजिए। आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्वेश्चन 6, हु इनॉगरेट्स द एग्जीबिशन प्रकाशी इवेंट इन न्यू दिल्ली। हु इनॉगरेट्स जो एग्जीबिशन प्रकाशी इवेंट का है दिल्ली में, किसने उसे उद्घाटित किया। ए ऑप्शन है श्री नरेंद्र सिंह तोमर, बी ऑप्शन है श्री किरेन रिजिजू, सी ऑप्शन है श्री प्रहलाद सिंह पटेल, डी ऑप्शन है CRK सिंह। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है, चूज कीजिए। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
This state government has announced the penalty and imprisonment on defacing trees on the road side. किस स्टेट गवर्नमेंट ने पेनल्टी और जेल तक की सज़ा लगाने का कहा बोला है, अगर रोड साइड में जो पेड़ हैं उनको कोई डिस्टर्ब करता है तो उसको उसके लिए आपको फाइन देना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी, जेल जा सकते हैं। कौन सा स्टेट है? ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। चारों में से एक ऑप्शन करेक्ट है, चूज कीजिए आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डिड 2019 हिमालय डे सेलिब्रेटेड, कौन से दिन हिमालय दिवस मनाया जाता है? ये ऑप्शन है सितंबर 9, बी ऑप्शन है सितंबर 10, सी ऑप्शन है सितंबर 11, डी ऑप्शन है सितंबर 8। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है, चूज कीजिए आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फॉर व्हिच मिसाइल द प्रोक्योरमेंट ऑफ 6 स्क्वाड्रन वर्थ 5,000 crore रुपीस वॉज अप्रूव्ड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। किस मिसाइल के लिए प्रोक्योरमेंट ऑफ 6 स्क्वाड्रन जिनका मूल्य 5,000 crore रुपए है अप्रूव किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उस मिसाइल का नाम क्या है? पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल, बी है आकाश एयर डिफेंस मिसाइल, सी है ब्राकेट एयर डिफेंस मिसाइल, डी है त्रिशूल एयर डिफेंस मिसाइल। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है, चूज कीजिए आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, फॉर विच मिसाइल द प्रोक्योरमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, संजय गांधी नेशनल पार्क इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। संजय गांधी नेशनल पार्क, उसको बोरी वैली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, कहां पर स्थित है, किस स्टेट में स्थित है? ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है, उसे चूज कीजिए आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। यही 10 क्वेश्चन थे आज के हमारे करेंट अफेयर्स आज की डेट के लिए, आपको हमारे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, बेनिफिशियल होंगे। कंटिन्यू टेस्ट देते रहेंगे तो आपका जो इम्प्रूवमेंट है करंट अफेयर्स का वो होता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, ऐसे ही हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, शेयर कर दीजिए वीडियो को, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सारा कुछ कर दीजिए, शेयर तो ज़रूर कीजिए जिससे और लोगों को भी पता चले और वो लोग वॉच करें और कमेंट करें। थैंक यू।